सितमगर ये गुर्बत क्या करें। पता नहीं ये पैसे वालों को घमंड किस बात का होता है जो हर चीज पैसों से खरीदने लगते हैं। आपके सौतेले बेटे की कॉल आई थी, गलती से कॉल आपकी बजाय मैंने पिक कर ली। सौतेला बेटा? जी, नईमा आंटी का बेटा। अब वो शादी के बाद आपका सौतेला बेटा ही कहलाएगा ना। बड़ी इज्जत से खराजे तहसीन पेश कर रहा था आपको, कह रहा था कि पैसों की लालच में तुम लोग जो सामान बांध कर यहाँ आने की तैयारी कर रहे हो उसके लिए निकाह की जरूरत नहीं है। वो बगैर निकाह के ही मुँह मांगी रकम देने को तैयार है। अब देखा जाए तो आप भी तो ये फैसला इसीलिए ले रही हैं ना, ताकि पैसों से हमारी ज़रूरियात पूरी हो सकें, हम इन प्रॉब्लम से निकल सकें। तो मुझे क्या लगता है ममा कि हमें ये डील डन कर देनी चाहिए। क्यों? सोच समझ के बात करो। किससे बात कर रही हो तुम? अपनी माँ से बात कर रही हो तुम। तुम्हें लाख इस फैसले से इख्तलाफ सही, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है तुम माँ के रिश्ते के तकद्दुस को पामाल करो इस तरह। सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। पहले ही मैं इतनी उलझन में हूँ, ऊपर से ये कॉल। मामा, अगर नईमा आंटी का कोई यंग बेटा है तो उसका राज़ी होना भी तो इस शादी के लिए ज़रूरी है ना, वरना हम उसी के घर में उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर कैसे रहेंगे? हमारी ज़िंदगी तो और भी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हमें फैसले करने के लिए औलाद की कड़वी बात तुमको अपने हलक से उतारना होगा। सब आना तो बात की बात है। मैं उस अनजान बच्चे को क्या कहूँ? उसे क्या खबर हमारे मसाइल की, हमारी ज़िंदगी की। अफसोस तो अपनी ही बेटी के कड़वे जुमलों से होता है जो माँ को समझने के बजाय तंज के तीर चला रही है। तुम नहीं समझ सकती, इस फैसले की वजह से रोज़ रेजा रेजा होती हूँ, फिर खुद को जोड़ कर हिम्मत बांधती हूँ। तुम समझ नहीं सकती कड़े फैसलों की अजियत को। उन्होंने समझने की और सहने की ना तुम्हारी उम्र है। अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि तुम कभी इस अज़ियत से गुजरो। मैं तो बस दुआ करती हूँ कि तुम्हें मुश्किल फैसलों की कड़ी अज़ियत से कभी ना गुजरना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY Digital YouTube चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।